सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के बाद सभी नेता अपने लिए घर की तलाश में जुट गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह सभी घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसी को कोई घर पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए अखिलेश ने राज्य संपत्ति अधिकारी को पत्र लिखकर घर खाली करने के लिए और वक्त मांगा है। कल तक सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अपने लिए बंगले की तलाश कर रहे थे, लेकिन अब बेटे अखिलेश यादव भी घर ढूंढ कर परेशान हो गए हैं। न मुलायम को अच्छा घर मिल रहा है, न अखिलेश को। इसीलिए आज उन्होंने राज्य संपत्ति अधिकारी को पत्र लिखकर घर खाली करने के लिए और वक्त मांगा है। उन्होंने कहा है कि मुझे अच्छा घर नहीं मिल रहा है, इसीलिए ज्यादा दिन रहने की मोहलत दी जाए। अखिलेश यादव के निजी सचिव गजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने कई घर देखे हैं, लेकिन कोई भी अखिलेश को पसंद नहीं आया, इसीलिए सरकारी आवास खाली करने के लिए वक्त मांगा गया है। जहां अखिलेश और मुलायम सिंह घर तलाश रहे हैं, तो वहीं मायावती भी सरकारी बंगला खाली कर अपने निजी मकान में शिफ्ट होने जा रही हैं। अपने सीएम रहने के दौरान ही मायावती ने 9 मॉल रोड का ये बंगला खरीदा था और इसे भी उन्हीं लाल पत्थरों से बनवाया था जिन लाल पत्थरों से स्मारक बनवाने के लिए वो जानी जाती हैं। मायावती तो अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन मुलायम और अखिलेश कहाँ जाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।